दिस इज़ कूल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं अपनी वीडियो लेके आई हूँ वो आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, स्पेशली इंडियंस को बहुत ज़्यादा वो पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ आज़ादी नाम की एक शॉर्ट फिल्म जिसको प्रेजेंट कर रहे हैं सिद्धार्थ केसव, मोहित चौहान, शकील आजमी, अंशुल। तो देखते हैं ये कैसा होने वाला, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव बात नहीं है यार, तुम खुद ही देख लो ना, आज भी डेवलपिंग नेशन ही कहा जाता है ना, डेवलप्ड नहीं। दुनिया का कोई भी देश हो, डेवलपमेंट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और हम आज वो कंट्री नहीं है जो 1947 में ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे। श्योर, लेकिन वो कंट्री भी नहीं जो 75 इयर्स में बन जाना चाहिए था। एग्जैक्टली, लुक एट द करप्शन, रोज नया स्कैम। हां, करप्शन है जैसे कि बाकी कंट्रीज में, बट पकड़ा भी जा रहा है। वी गेट टू नो अबाउट इट जब वो एक्सपोज होता है। एक्सपोज होने का मतलब है वी आर ऑन द राइट ट्रैक। पॉइंट इज, कुछ भी बदल नहीं रहा है और ना बदलेगा। मैं तो हायर स्टडीज के लिए लंदन जा रहा हूं एंड नेवर कमिंग बैक। इन्होंने फ्लैग को इग्नोर कर दिया जो परचम नीचे गिरा पड़ा था। बुरी बात है वैसे। ये जो तुम्हारा नेशनलिज्म है ना, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे लाइक्स एंड रीट्वीट दिला सकता है, रियल वर्ल्ड में यहां कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं। अगर हम पास से कुछ सीखें तो पता चलेगा फ्यूचर इज ब्राइट। वी हैव कम अ लॉन्ग वे एंड देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। मैं इस ग्रेट राइज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। ओ प्लीज, किस बात का राइज है, उल्टा रिग्रेसिव होते जा रहे हैं हम। लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस। व्हाट? किसी बात की आज़ादी नहीं है यहाँ। ये मत पहनो, वो मत खाओ, अपनी बात भी बिना डरे नहीं कह सकते। सिर्फ नाम का आज़ाद देश है हमारा। आज़ादी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है जो सबके लिए सेम है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि कोई भी अपने मन से कुछ भी करेगा। इंडियन आर्मी में सब यूनिफॉर्म पहनते हैं। कल को कोई आके बोल दे कि मुझे मेरे मन के कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे, यहाँ आज़ादी नहीं है। आजादी कितना फॉर ग्रांटेड ले रखा है हमने आजादी को, क्योंकि इस आजाद देश में पैदा हुए। लेकिन ये आजादी किस कीमत पे मिली हमें, जो सैक्रिफाइसेस लोगों ने किए ताकि हम आजादी की सांस ले सके, सब भूल गए हम। हमने भी वही हिस्ट्री पढ़ी जो तुमने, तो प्लीज अब उसके बारे में लेक्चर मत दो। चले अब। चलो। I wish जो तुमने पढ़ा है उसे महसूस कर सकते। शहीदों के कटे फटे शव
उन्होंने। गांधी जी ने कहा सारा विदेशी सामान जला दो, पर हमारे पास कोई और कपड़े भी नहीं है। चलो नाम क्या है तुम्हारा? आजाद, चंद्रशेखर आजाद। सफर काले पानी का था, गले में थे फंदे, ओ सफर काले पानी का था, गले में थे फंदे, कटे थे बदन से लेके थे हाथों में झंडे, ओ सफर काले पानी का था, गले में थे फंदे, कटे थे बदन से लेकिन थे हाथों में झंडे, मिटा कर भी जाने अपनी, गवा कर भी जाने अपनी, जिंदा वो बंदे। सुनो भीगी आंखों से ये, सुनो भीगी आंखों से ये, अमर दास्तां। आजादी आजादी बड़ी महंगी, बड़ी महंगी है ये आजादी, आजादी।
यार कितनी लाजवाब ये शॉर्ट मूवी है। मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, आई होप आपने भी इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। और ये इतनी अच्छी मुझे ये स्टोरी लगी कि मतलब ये इस ऐसे लोगों के लिए जैसे जो लोग कहते हैं कि इस मुल्क ने हमें दिया ही क्या है, हम आज़ाद नहीं हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम लोग पहले जैसे ही हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं उसने हमें बहुत कुछ दिया है। हम अगर हम लोगों को ये आइडिया हो जाए ना कि हमारे अबाओ अजदाद ने, हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए कितनी कुछ कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे मुल्क को हासिल करने के लिए क्या कुछ खोया है, जैसे कि शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है, देन हमें जो है रियलाइज़ हो और हम लोग इस मुल्क की कदर करें। तो ये मूवी जो शॉर्ट फिल्म है ये बनाई भी इस मकसद के लिए ही गई है कि जो लोग इस मुल्क की कदर नहीं करते उन लोगों को कदर हो। और ये बहुत अच्छे तरीके के साथ इसको प्रेजेंट किया गया है, बहुत ही यूनिक आइडिया था इस मूवी को रिप्रेजेंट करने का। जिस तरह से वो लड़की एक पहले फेवर कर रही थी बाकी सब उसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में वही लड़की कहती काश के आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है वो महसूस भी कर सकते, तो फिर वो महसूस करते हैं, उनके सामने सब कुछ चलता है और वो उस चीज़ को लाइक दिल से हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके सामने जो सीन्स आंखों के सामने चलते हैं उसके बाद उनको पता चलता है कि ओ माय गॉड हमारा मुल्क ऐसे था, हमने इस तरीके से हासिल किया। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमें अपने मुल्क के लिए जो है मोहब्बत दिल में होनी चाहिए, हमें अपने दिल हमें अपने मुल्क के लिए जो है प्यार शो कराना चाहिए, रिगार्ड करना चाहिए अपनी कंट्री को। तो मुझे ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इससे मेरी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन होगी ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए अच्छे अच्छे रिएक्शन लेके आऊँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट कमाल के रिएक्शन, तब तक के लिए लाफिज़ बाय।